नमस्कार, प्रणाम। मैं चंदन झा। अभी 4-5 दिन से तो अभी ट्रेंड में आया है ये। ऐसे तो जब से खेसारी जैसे और भी कई सारे अनपढ़ गवार जो एक्टर बड़े बड़े सुपरस्टार बैठे हुए हैं इंडस्ट्री में, वो तो शुरू से ही कोशिश में लगे हुए हैं। और अभी ये ज़्यादा हो रहा है कि जो एकदम सम्मानित व्यक्ति है इंडस्ट्री का, जो सीनियर है इतने, उनको कैसे नीचे, मतलब उनको कैसे नीचा दिखाया जाए, तो ये शोभा नहीं देता है। मैं खुलेआम नाम ले रहा हूँ कि वो खेसारी है और भी कुछ है जो अभी तक सामने तो आए नहीं हैं, लेकिन खेसारी है ये मैं शुरू से जानता हूँ। वो बस पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना जानता है, उसे और कुछ नहीं आता। उसे मालूम है पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, तो वो बार बार लाइव आके या जैसे भी आके वो पब्लिक को बेवकूफ़ बना के जाता है कि आप हमारे भगवान हो। एक्चुअली भगवान उसके नज़र में कोई नहीं है। उसका जो ज़ुबान है वो इतना गंदा है कि अगर उसके सामने कोई बैठे तो लगेगा कि हाँ, वो भिखारी को रोड पर अचानक से अगर ये 5-10 करोड़ रुपया मिल जाए तो जो उसकी कंडीशन होगी वही कंडीशन खेसारी की है कि जिसने पूरी ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं देखा, जो पाई पाई के लिए मोहताज रहा, उसके हाथ में अचानक से एक चिराग लग गया। किस्मत अच्छी थी उसकी कि वो काम कर रहा है और है, उसका जो भी है नाम है, चाहे वो जिस तरह से है उससे ज़्यादा गंदगी शायद ही किसी एक्टर ने फैलाई है इंडस्ट्री में। और आज वो राजकुमार जी को परेशान कर रहा है, जो जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है इंडस्ट्री को, इतना स्टैब्लिश किया है। या सिर्फ राजकुमार जी नहीं, वो हर किसी को बेवकूफ़ बोलता है, इतना नीच और लीचर टाइप का है वो। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग कैसे उसका सपोर्ट करते हैं। उसके सपोर्टर भी वैसे ही हैं, मैं तो खुलेआम ये करता हूँ, उसके सपोर्टर भी सारे वैसे ही हैं जिनको 2 पैसे का कुछ पता नहीं, बस इतना मालूम है खेसारी ने बोला है तो वो आगे लेके जाना है, बस यही उनकी सोच रहती है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अब बख्श दो इंडस्ट्री को, अब भोजपुरी इंडस्ट्री को बख्श दो। पूरा गंदा कर दिया है तुम लोगों ने माहौल, अभी और गंदा मत करो। ये हाथ जोड़ के विनती है, एक ऑडियंस ही समझे मुझे, कि आप अपनी गंदगी अपने माँ को सुनाओ, अपनी बहन को सुनाओ। आपकी ज़ुबान में जो गंदगी है वो अपनी माँ को गाली दो, लेकिन किसी सम्मानित व्यक्ति को इस तरह से प्रताड़ित करना, उनको इस तरह से परेशान करना, ये बहुत गलत है। जिस तरह से वो रोए हैं आज, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। एक बात बताइए कि अगर उस वही वो बंदा है जिसने तुम्हें भी ब्रेक दिया है खेसारी, जिसने तुम्हें भी स्टैब्लिश किया है मार्केट में, और आज तुम उस बंदे को गाली सुनवा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। तुम इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, और वो तो उनके जैसा नेक दिल इंसान है कि वो इस चीज़ को भी इतना, मतलब पोलाइटली वो बात कर रहे हैं। तुम जैसे होते तो पता नहीं क्या करते। शर्म करो और बख्श दो इंडस्ट्री को। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है भोजपुरी को, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम ज़बरदस्ती जो वो बोलते हैं ना, दूध पुराना हो जाता है, या वो क्या बोलते हैं, दही पुराना हो जाता है उसमें कीड़ा आ जाता है, वो कीड़े हो तुम इंडस्ट्री के, जिसकी ज़रूरत किसी को नहीं है, बस तुम खा रहे हो। वो घून हो, अपनी भाषा में बोलते ना घून, दीमक, वो दीमक की तरह तुम पूरी इंडस्ट्री को खोखला कर रहे हो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, बस अभी जो 2 पैसे तुमने छापे हैं लोगों को बेवकूफ़ बना के, वही तुम्हारी कैपेसिटी है। उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर आज भी ये सारी चीज़ें हट जाए तो खेसारी के अंदर 1 पैसे की औकात नहीं है कि वो रोड पे खड़ा होके पेट भर के खा भी सके। जो आज ज़िंदगी जी रहे हो, एक संस्कार लाओ अपने अंदर। आज देखा है तुमने, संस्कार लेके आओ अपने अंदर। अगर धन आया है ना तो उसको संभालो, धन के पीछे पागल मत हो जाओ। एडवाइस है ये, प्रताड़ित करना, उनको इस तरह से परेशान करना, ये बहुत गलत है। जिस तरह से वो रोए हैं आज, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। एक बात बताइए कि अगर उस वही वो बंदा है जिसने तुम्हें भी ब्रेक दिया है खेसारी, जिसने तुम्हें भी स्टैब्लिश किया है मार्केट में, और आज तुम उस बंदे को गाली सुनवा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। तुम इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, और वो तो उनके जैसा नेक दिल इंसान है कि वो इस चीज़ को भी इतना, मतलब पोलाइटली वो बात कर रहे हैं।
तुम जैसे होते तो पता नहीं क्या करते। शर्म करो और बख्श दो इंडस्ट्री को, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, भोजपुरी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम ज़बरदस्ती जो वो बोलते ना, दूध पुराना हो जाता है या वो क्या बोलते हैं, दही पुराना हो जाता है उसमें कीड़ा आ जाता है, वो कीड़े हो तुम इंडस्ट्री के, जिसकी ज़रूरत किसी को नहीं है, बस तुम खा रहे हो, वो घून हो, अपनी भाषा में बोलते ना घून, दीमक, वो दीमक की तरह तुम पूरी इंडस्ट्री को खोखला कर रहे हो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, बस अभी जो दो पैसे तुमने छापे हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना के, वही तुम्हारी कैपेसिटी है, उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर आज भी ये सारी चीज़ें हट जाए तो खेसारी के अंदर एक पैसे की औकात नहीं है कि वो रोड पे खड़ा होके पेट भर के खा भी सके, जो आज ज़िंदगी जी रहे हो। एक संस्कार लाओ अपने अंदर, आज देखा है तुमने, संस्कार लेके आओ अपने अंदर। अगर धन आया है ना तो उसको संभालो, धन के पीछे पागल मत हो जाओ, एडवाइस है ये।